अंकल जी कह रहे हैं कि इधर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, ये कोरोना के टाइम के बाद काफ़ी 8-9 महीने अपने गांव में गए, वहाँ रहे हैं, मिलने लगे गए। कलंगुटे बीच के एकदम बराबर है, तो यहाँ पे टैटू बना रहा हूँ पिता के नाम का। सो द टैटू इज डन एज यू कैन सी। ये रही थोड़ी शॉप, हैट्स, प्लेयर्स, ये पानी पूरी, आलू चाट, ये सब भी मिल रहा है इधर। दिस इज सम टी शर्ट्स एंड फिक्स रेट लिखा हुआ है इसमें इस दुकान में। टेम्प्ररी टैटू, परमानेंट टैटू सब लगते हैं इधर। दूर वहाँ पे शैक्स है एंड हियर इज अ ब्यूटीफुल बीच ऑफ गोवा, कलंगुटे बीच। कलंगुटे बीच और इसमें क्या कहते हैं बागा बीच में कितना डिफरेंस, क्या डिफरेंस क्या है? बागा बीच तो पास में है ना, रात को क्या लगता है? रात को इधर लगता है लाइटनिंग वाइटनिंग होती है, वही मैं पूछ रहा था। ठीक है, आई गेस वाटर एक्टिविटीज आर आल्सो देयर, थोड़ी वाटर एक्टिविटीज भी हो रही है इधर। लोग आराम से अपना रिलैक्स कर रहे हैं। ये भी एंजॉय कर रहे हो भाई, लहरों की आवाज आई है, अब ज्यादा आवाज नहीं आएगी शायद। सो हियर इज द बीच। अगर देखा जाए तो भीड़ हो रही है इधर, टाइम टू टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है भीड़। देयर आर सम वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आल्सो गोइंग ऑन हियर। मैं एक बार रेट पता करने की कोशिश करूँ। बोट में कहाँ जाते हैं? बोट से जाते हैं अंदर, कोई क्या कौन कोई कुछ दिखाते भी हो कोई बीच में रोकते भी हो या फिर क्या रोकते हैं ना बीच में? कौन से वाले आगे बीच में उधर तो क्या चार्ज क्या रहते हैं? इसका चार्ज होता है 400 रुपये पर पर्सन। और क्या है वाटर एक्टिविटीज इधर? क्या 1800 का सब कुछ आएगा इंक्लूडेड? बोट आएगा, बोट, बाइक, पैराशूट, बनाना राइड और बम्पर राइड ही होती है। अच्छा, दो लोग। अच्छा, ये तो खुद करना पड़ता होगा सर, ये बोट में छोटे बोट में बांध के ना जंपिंग करता हुआ लेके जाए। अच्छा अच्छा, तो वाटर एक्टिविटीज है काफ़ी इधर, 1800 का पैकेज है। अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन एनी टाइम डू दिस। क्या चीज? ककड़ी। ककड़ी है, खीरा है, ककड़ी का है। ककड़ी तो दिख ही नहीं रही, कहाँ छुपाई है ककड़ी? अच्छा, इसको ककड़ी बोलते हैं, ककड़ी दूसरी होती है भाई। बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं लोग इधर आके, अब भीड़ बढ़ रही है ना दिन बर दिन। नहीं फिर भी कंपैरेटिवली बढ़ रही है, लोकल का है ये कह रहे हैं भाई साहब कि मतलब कि भीड़ उतनी नहीं है जितनी रहती है, वैसे कस्टमर्स आ नहीं रहे, बिजनेस डाउन है, क्या करें, कोरोना है। ये बनाया इन्होंने, थोड़ा यार मसाला और डाल दो।
कलंगुटे बीच से चलते चलते मैं इधर आ चुका हूँ। ये रेडी लगी हुई थी एंड यहाँ पे मैं ऑमलेट पाव भाजी ट्राई करने वाला हूँ। तो ये है ऑमलेट पाव भाजी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कॉम्बिनेशन। पहली बार कॉम्बिनेशन देखा तो अच्छा है काफ़ी लवली। सो अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल के उधर और थोड़ा थोड़ा रास्ता दिखेगा आपको कि कितना अच्छा रास्ता है। इधर से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला सकते हैं मैक्सिमम। बहुत ही पतली लेन है, बहुत ही तेज़ गाड़ी जा रही है। 6 मिनट की दूरी दिखा रहा है इधर से और काफ़ी रास्ता क्रॉस भी कर लिया है। ऐसे मैंने पूरी की पूरी साइकिल छोड़ी हुई है, अपने आप चल रही है क्योंकि डाउन साइड है, हिली एरिया है थोड़ा। ये खड्डे भी है बीच बीच में यार, 2.3 किलोमीटर दूर। और जो भी कहो साइकिलिंग का अपना ही मज़ा है। राइट साइड में मेरे फिश थाली मिल रही है और बाइक बहुत तेज़ आ रही है। लेफ्ट में कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है भैया? क्या है इधर? समोसे और पकोड़े है क्या? आलू पकोड़ा समोसे। अच्छा, आई डोंट वांट टू ईट आलू पकोड़ा एंड समोसा। अरे पूजा, कहाँ रोक दिया तूने ऑटो? स्ट्रेट जाने का अभी फिलहाल के लिए। नो लेफ्ट टर्न नो राइट टर्न टिल नाउ। यहाँ पे काफ़ी सारे वेज रेस्टोरेंट भी है आसपास, प्योर वेज, मतलब ढाबे सिर्फ प्योर वेज मिलेगा। बड़ी ही स्मूथ साइकिल है, मज़ा आ रहा है चलाने में। उधर से साउथ गोवा से तो काफ़ी अच्छी साइकिल है, ये तो बोलना पड़ेगा। तभी इसका भाड़ा भी ज़्यादा है, 300 रुपये। गुजराती पानी पूरी भी देखी मुझे राइट में, मतलब गुजराती लोग तो यार क्या बिजनेस आइडिया है यार, सबको हर जगह पहुंच जाते हैं। 1.3 किलोमीटर बाद लेफ्ट टर्न है इधर से। प्लान ये है कि कल हम कैसीनो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, और आज भी एक मार्केट जाएंगे, तो काफ़ी कुछ है देखने को। स्ट्रीट फूड मेन मकसद है आज का, तो आज एक स्ट्रीट फूड खाया है, ऑमलेट पाव भाजी। कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, टेस्ट भी अच्छा था और 70 रुपये का था। मज़ा आ रहा है साइकिलिंग करने में, वेदर का और सराउंडिंग्स का पूरा एंजॉय करते हुए जा रहा हूँ मैं। बट द मेन थिंग जो सबसे ज़्यादा मदद हुआ है वो तो है भाई गूगल मैप। गूगल मैप नहीं होता तो पता नहीं क्या होता लोगों का। आई गेस थोड़ा सा पास आता हुआ अपने डेस्टिनेशन के, डबल ट्री हिल्टन के होटल के थोड़ी ही दूर पेट्रोल पंप भी है। वैसे टीटोस के काफ़ी बोर्ड लगे हुए, टीटोस। ये लोग पैदल आ रहे हैं सामान लेके, दैट इज़ इट। बस उल्टी डायरेक्शन में आ रहे हैं, उनको उधर से आना चाहिए। वैसे उत्तरी बहुत ही दम लगता हुआ इधर साइकिल चलाने में, लेग की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। ये पहुंच गए हम अपने डेस्टिनेशन में, आते टाइम तो पता ही नहीं चला कि कब पहुंच गए, जाते टाइम थोड़ा पता चला था। डबल ट्री बाय हिल्टन पे नहीं रुके हम रुके हैं, क्या नाम है इसका मैं भूल जाता हूँ, रविरिया हर्मिटेज। तो अब हम करेंगे अपना वाहन का पार्किंग, तो उस साइड हम करेंगे अपनी वाहन की पार्किंग। और मच्छी की स्मेल आते हुई, ये हम जितना मच्छी बनाते हुई, ये बिना तरी की, ये तरी की, आलू गोभी, फिश कड़ी, फिश अगेन, दिस इज अंडा, चावल, सैलड, ये सारा का सारा बनाया है हमारी अमृता ने। जब मैं अभी बीच गया हुआ था, कैलंगुटे बीच बोलते उसको, कैलंगुटे, हाँ,
तो अब पेट पूजा करके थोड़ा रेस्ट करके शाम को कैंडोलिम स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट फूड वी हैव टू एक्सप्लोर स्ट्रीट फूड ना, मोर फूड एंड मोर फूड एंड मोर फूड एंड मोर फूड। क्या है ये? बनाना केक है जो कि 50 रुपीज का है, ये चीज केक है जो कि 120 रुपीज का है। ग्रेवी इसमें मेरी मम्मी ने